नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता तो इस समय सभी डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता के दिमाग के अंदर एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्या डीडी फ्री डिश हमारा बंद होने वाला है? क्या डीडी फ्री डिश के ऊपर सारे के सारे चैनल हमारे बंद कर दिए जाएंगे और उनकी जगह हमें टेस्ट स्लॉट से ही हमें देखने को मिलने वाले? तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही डाउट्स आपका दूर करने वाले हैं कि डीडी फ्री डिश के ऊपर ये बदलाव हमें क्यों देखने को मिल रहा है और क्या वाकई में डीडी फ्री डिश हमारा बंद होने वाला है, और अगर बंद होने वाला है तो कब से हमारा डीडी फ्री डिश संपूर्ण रूप से हमारा क्लोज हो जाएगा और उसके बदले में हमें क्या देखने को मिलेगा और जो भारत की जो पब्लिक है वो कैसे अपडेट्स रहने वाली है। तो वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि डीडी फ्री डिश अगर बंद हो गया तो उसकी जगह हमारा क्या नया स्टार्ट होने वाला है, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों सभी डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता के दिमाग के अंदर आजकल एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा है बार बार घूम फिर कर कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से सारे के सारे चैनल एक दो चैनल करके हटते चले जा रहे हैं और उनकी जगह या तो हमें कलर बार हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर उनकी जगह हमें टेस्ट स्लॉट हमें देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हमारा इंडिया टीवी या फिर हमारा डीडी नेशनल का कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता रहता है। तो क्या डीडी फ्री डिश अपने सारे के सारे चैनल को रिमूव कर देगा और उसकी जगह हमें टेस्ट स्लॉट से हमें देखने को मिलेंगे, और क्या डीडी फ्री डिश पूरा का पूरा बंद होने वाला है? अगर बंद होने वाला है तो डीडी फ्री डिश की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा और जो सेटअप बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग डीडी फ्री डिश के उनका क्या होने वाला है और भारत की जो जनता है वो किस प्रकार से अपडेट रहेगी? तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इस समय हमारा लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण हमारे जितने भी चैनल थे वो डीडी फ्री डिश की फीस हमारी डिपॉजिट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो अपने चैनल को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए हटाते चले जा रहे थे। यानी कि जिनके समय अवधि पूरी हो गई उनको तो हटाना ही हटाना था, लेकिन कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग चैनल भी थे जो कि डीडी फ्री डिश की रेवेन्यू को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, डीडी फ्री डिश की फीस को बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण डीडी फ्री डिश ने काफी सारे चैनल को बिल्कुल लीगल नोटिस भी भेजा था। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, डीडी फ्री डिश हमारा बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला। यानी कि हमारे डीडी फ्री डिश का अपडेट्स आ चुका है कि डीडी फ्री डिश कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। और डीडी फ्री डिश के रहित कुछ चैनल के बारे में तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, डीडी फ्री डिश ने उन सभी चैनल को रियायत दे दी है जो चैनल अपने फीस डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है। यानी कि 3 महीने की डीडी फ्री डिश ने छूट दे दी है, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो सभी उन चैनल को बिल्कुल रियायत दे दी गई है। अगर वो डीडी फ्री डिश का डिपॉजिट नहीं करा पा रहे हैं फीस तो 3 महीने की उनको छूट प्रदान की गई है। और आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि डीडी फ्री डिश से अब कोई भी चैनल हमारा रिमूव नहीं होने वाला है। डीडी फ्री डिश ने उन सभी चैनल को रियायत दे दी है 3 महीने की, यानी कि 3 महीने की उनको छूट दे दी गई है अपने फीस डिपॉजिट करने के लिए, और बिल्कुल वो अपने चैनल अपने डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बने रह सकते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट कई गुना हमारा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, हमारे डीडी फ्री डिश ने अगले ही ऑक्शंस की भी तैयारी हमारी कर ली है। यानी कि अब हमारा बहुत जल्द हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे नया ऑक्शंस ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसके बाद में हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे और भी जनरल धारावाहिक एंटरटेनमेंट भरी चैनल हमें देखने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, डीडी फ्री डिश काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है अपने सारे के सारे उपभोक्ता के लिए कि उनका एंटरटेनमेंट कई गुना बढ़ सके, इसलिए बिल्कुल अपने उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए अपने डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे काफी बड़े बड़े बदलाव करते चला जा रहा है। और इसी बदलाव को देखते हुए डीडी फ्री डिश ने काफी सारे चैनल को रियायत भी दे दी है और 3 महीने की उनको फीस के अंदर बिल्कुल छूट दे दी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा डीडी फ्री डिश कहीं पर भी जाने वाला नहीं है, और नए अपडेट्स के अनुसार सभी चैनल को रियायत दे दी गई है और डीडी फ्री डिश भरसक प्रयास कर रहा है अपने उपभोक्ता का एंटरटेनमेंट कई गुना बढ़ाने के लिए, और जल्द ही हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर नया ऑप्शन हमें देखने को मिलने वाला है। आप डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे क्या बदलाव देखना चाहते हो और नेक्स्ट ऑक्शंस के अंदर आप डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे कौन सा चैनल देखना चाहोगे, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता दीजिएगा, ताकि हो सकता है वही चैनल हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिले और हमारा एंटरटेनमेंट और भी कई गुना हमारा बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।